पुलिस का खतर खत्म होना से नहीं रहा। हमारे अपने लोगों ने, दोस्तों ने, जीरो ने, रिश्तेदारों ने देर रात एक कर दिया बच्ची को ढूंढने के लिए। इतनी इतनी सदगी जिसका तस्वर नहीं, बेचारे इतनी सर्द रातों में ना वो सोए ना उन्होंने बुखार खाया, और उसके बावजूद हमें ये नतीजा उसका मिला इंतजामिया की तरफ से। तो जो टेस्ट हुआ उसमें दो वो देखें जो बंदे वीडियो में आया देखे हैं उन्होंने, स्टिल इन्होंने चाहिए था कि अदर जो सरकारी एजेंसियां जो दो इंटेलिजेंस है उनको एक्टिव कर दे, उसको फौरी उस पर कोई ना कोई एक्शन लेते, उसको ट्रेस आउट कर दे। लेकिन वो तो उन्होंने कहते जैसे कि आम आओ तो उनके लिए है कि 10,000 बंदा उन्होंने रैंडम लगाया हुआ जाति बराबर, हम लोग तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, वो उनके लिए असल तो था वो ही मुल्क भी सब कुछ हुई है। हम इंसान के लिए कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, आम इंसान जो है उसको कोई प्रोटेक्शन प्रॉपर उसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं। अब मुझे पता चला कि वहाँ पर पुलिस ने फायरिंग कर दी है, दो तीन दो बंदे कसूर में शहीद हो गए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ देखता हूँ क्या सूरत हाल है, और हम कोशिश करेंगे उसी पर तक बच्ची को तो बनाएंगे नहीं तब तक इसका कोई प्रॉपर इसका कोई मसला हल नहीं होता। मुल्जमा को जब जब हाँ जी हम चीफ जैसे पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे, आर्मी चीफ और पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि ये बच्चियाँ सब इंसानियत होती हैं, अगर इंसानियत है तो इसका फौरी 100 वोट एक्शन लें। असल जैसे 100 मीटर का फासला था उसका और बड़ा मशरूफ थी नहीं बाजार है, लेकिन पता नहीं इंसानियत ने उन दरिंदों का कैसे मुकद चल गया वो उसको मैंने क्या बताना है, मेरे इंसाफ लेना, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे पास जैनब नहीं रही, मैंने क्या बताना है, मैंने कुछ नहीं बताना। आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी।